पैंडेमिक के दौरान 23 अप्रैल को एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है और उसमें लिखा है कि यद्यपि कई लोग, कई वरिष्ठ लोग भी नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी आवश्यक है, जल्दी है, इसलिए करिए। आपको मालूम है कि याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है, जानबूझकर ये प्रयत्न किया जा रहा है। हमारा सीधा आरोप है कि उस याचिका को, देश की जवाबदेही को, हर चीज को निरर्थक कर दिया जाए, नकार दिया जाए, जिसको अंग्रेजी में और कानून में इंफ्रक्चुअस कहा जाता है, वो कर दिया जाए। बाद में कुछ भी हो तो जो अब हो गया है वो वापस मिट नहीं सकता, रिवर्सिबल नहीं होता है। ये प्रयत्न किया जा रहा है देश के नाक के नीचे, और वो कब? वो जब, जबकि सिर्फ पैंडेमिक की बात नहीं है, लॉकडाउन में, पैंडेमिक के अंदर भी लॉकडाउन एक ऐसा समय होता है जहां पर ऐसी सेंट्रल विस्टा की मीटिंग करना अपने आप में एक अद्भुत चीज है। साथ साथ आपको मालूम है, सर्वविदित है कि 20,000 करोड़ न्यूनतम कंजर्वेटिव आधार पर इसका खर्चा है। किसकी छाप के लिए किया जा रहा है ये? मोदी महल किसकी विरासत को स्थापित करने के लिए बनाया जा रहा है? किसकी पहचान अजर अमर और अमिट करने के लिए किया जा रहा है? लगभग 15 लाख वेंटिलेटर सस्ते वाले आ सकते हैं इस राशि में। मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं कि कितने और काम हो सकते हैं कोरोना में 20,000 करोड़ से। इस गति से, इस प्रकार, इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी, अहमियत कैसे दी जा सकती है, क्यों दी रही है, ये एक बहुत बड़ा देश के सामने प्रश्न है। कोई उत्तर हमें मिलता नहीं है, जवाबदेही मिलती नहीं है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी जवाबदेही मांगते हैं और हम पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा अपनी बात को विराम देने से पहले। हमारी मांग है विनम्रता के साथ उच्चतम न्यायालय से कि जल्द से जल्द, जल्द से जल्द इसके इंफ्रक्चर्स होने से पहले, इसके ऐसी गति पकड़ने से पहले कि उसके बाद ये रिवर्सिबल नहीं हो, इसको बदल नहीं सके, उससे पहले इसका निर्णय करें।